लोयोला के संत इग्नासियस सामाजिक न्याय और गरीबों की देखभाल के लिए एक उत्साहित समर्थक थे। उन्हें सृष्टि से भी गहरा प्रेम था और उनका मानना था कि हम ईश्वर के उपहारों के प्रबंधक बनने के लिए बुलाए गए हैं। संत इग्नासियस ने अपने आध्यात्मिक साधना में लिखते हैं, हमें अपने प्रभु ईश्वर के सभी प्राणियों से प्यार और सम्मान करना चाहिए और उनका उचित न्यायपूर्वक और मध्यम तरीके से उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में हम जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं जो हमारे आम घर के ढांचे को खतरे में डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया भर में पहले से ही अधिक चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र के बढ़ते स्तर और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के रूप में महसूस किए जा रहे हैं। हमें इस संकट का उसी जुनून और प्रतिबद्धता के साथ जवाब देने के लिए बुलाए गए हैं जो संत इग्नासियस ने गरीबों और रोड पर पड़े लोगों के लिए किया था। हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और सभी के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण के लिए काम करना चाहिए। हमारे सामान्य घर की देखभाल करना केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह सामूहिक है। सुंदर भविष्य बनाने में हम सभी को भूमिका निभानी है। यदि हम साथ मिलकर काम करें तो हम बदलाव ला सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें लोयोला के संत इग्नासियस की मध्यस्थता के माध्यम से हम दुनिया को ईश्वर की आँखों से संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता के साथ देख सकें। आइए हम भी अपने दृढ़ विश्वास पर कार्य करने और दुनिया में बदलाव लाने का साहस मांगें।